पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बाबर ने मंगलवार 1 अक्टूबर को देर रात सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। 29 साल के बाबर ने लिखा, मेरे लिए टीम की कप्तानी करना गर्व की बात थी, लेकिन इससे बोझ बढ़ रहा था। मैं पूरी तरह से अपने खेल पर फोकस करना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी साल बाबर को दोबारा कप्तान बनाया था। हालांकि उनकी कप्तानी पर कई बार सवाल उठे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य चयनकर्ता मोहम्मद वसीम ने 1 महीने पहले बाबर को लेकर कई दावे किए थे। 46 साल के पूर्व क्रिकेटर ने कहा था, बाबर बहुत जिद्दी था और अक्सर चयन समिति द्वारा दिए गए सुझाव का विरोध करता था। पीसीबी ने 2020 में बाबर आजम को सभी फॉर्मेट का कप्तान बनाया था। बाबर की कप्तानी में टीम T20 वर्ल्ड कप और 2021 के सेमीफाइनल और 2022 के फाइनल में पहुंची थी। फिर वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने कप्तानी पद से इस्तीफा दे दिया था।